हेलो स्टूडेंट्स, आज आप चैप्टर फिफ्थ के कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे बढ़ाएंगे। उसमें हमारा पहला टॉपिक है, इसमें कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट में आपका क्वेश्चन होगा, इफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इट्स कंजुगेट डिनोटेड बाई जेड बार एंड इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी। दस जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी कंजुगेट ए माइनस आयोटा बी। फॉर एग्जाम्पल, टू प्लस थ्री आयोटा आपको कॉम्प्लेक्स गिवन है, इसको हम जेड से डिनोट करेंगे। जेड टू प्लस थ्री आयोटा कंजुगेट थ्री प्लस टू आयोटा थ्री माइनस टू आयोटा। इसमें मेनली क्या है कि जो इमेजनरी वाला पार्ट है उसको हम साइन चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्लस है तो आपका माइनस होगा और माइनस है तो आपका प्लस होगा। इस प्रकार से आपका कंजुगेट पर क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इट्स मॉडुलस डिनोटेड बाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉडुलस पर एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है आपकी टू प्लस थ्री आयोटा। मॉडुलस फाइंड करना है, मॉडुलस अंडर रूट ए, ए की वैल्यू आपकी टू प्लस बी की वैल्यू आपकी थ्री, टू का स्क्वायर फोर प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन थर्टी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक कंजुगेट पर एक क्वेश्चन आपका मॉडुलस पर। यहां पे आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, कह रहा है फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग। कंजुगेट फाइंड करने के लिए अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा है तो यहाँ पे इस प्रकार से मैंने एग्जांपल लिया। आपके ऐसा सवाल है आयोटा क्यूब प्लस वन, सेकंड वाला है रूट फाइव प्लस टू आयोटा का होल स्क्वायर, थर्ड है वन माइनस आयोटा अपॉन वन प्लस आयोटा। हमें सवाल पहले फॉर्म में है या सेकंड फॉर्म में है या ये थर्ड वाला सवाल है या कोई और मल्टीप्लाई वाला सवाल है, तो हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर आपको जो गिवन है उसको हमें ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लाना है। जैसे आपको गिवन है लेट जेड इज इक्वल टू आयोटा क्यूब प्लस वन, कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड से डिनोट कर दिया। आयोटा क्यूब की वैल्यू आप जानते हैं माइनस के आयोटा प्लस वन। आपको कंजुगेट फाइंड करना है तो कंजुगेट जेड बार इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं वन माइनस आयोटा। अब आप यहाँ पे वन माइनस आयोटा वन प्लस आयोटा, इस प्रकार से आपको कंजुगेट फाइंड करना है। पहले ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लाना है क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड यहाँ पे ले रहा हूँ, जेड इज इक्वल टू रूट फाइव प्लस टू आयोटा का होल स्क्वायर,
तो इसका होल स्क्वायर है, तो पहले होल स्क्वायर आप खोलना है, उसके बाद आपको कंजुगेट फाइंड करना है। यहाँ पे ही आपका चाहे होल स्क्वायर है या होल क्यूब है या आपको इस टाइप से क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको उसको ए प्लस आल्टा बी की फॉर्म में चेंज करना है। जैसे रूट फाइव का स्क्वायर प्लस टू आल्टा का स्क्वायर प्लस टू रूट फाइव इंटू टू आल्टा। रूट फाइव का स्क्वायर क्या हो गया, फाइव प्लस फोर आल्टा स्क्वायर प्लस टू इंटू टू फोर रूट फाइव आयोटा। आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस के आयोटा हो, जैसे यहाँ लिखता हूँ मैंने माइनस के वन इजकल टू आयोटा आयोटा स्क्वायर, पहली एक्सरसाइज में आप पढ़ चुके हैं माइनस के वन आयोटा क्यू माइनस आयोटा आयोटा पावर फोर वन, ये आपकी वैल्यू लास्ट तक यूज होंगी। फाइव प्लस फोर इंटू माइनस वन प्लस फोर रूट फाइव आयोटा, फाइव माइनस फोर प्लस फोर रूट फाइव आयोटा, तो आपका वन प्लस फोर रूट फाइव आयोटा। आपने ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में बनाया है पहले, अब आपको कंजुगेट फाइंड करना है, तो कंजुगेट निकालिए। कंजुगेट इज इक्वल टू वन प्लस फोर रूट फाइव आयोटा वन माइनस फोर रूट फाइव आयोटा, वेरी इजी। आपका इमेजिनरी वाला पार्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है साइन, तो बस यहाँ पॉजिटिव है तो भी ये भी आपका नेगेटिव। थर्ड वाला पार्ट यहाँ पे लेते हैं, जेड इज इक्वल टू आपको गिवन है वन माइनस आयोटा वन प्लस आयोटा। अब आपको पहले ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लाना है, तब कंजुगेट फाइंड करना है। वन माइनस आयोटा वन प्लस आयोटा, तो वन माइनस आयोटा वन माइनस आयोटा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप पहले कर चुके हैं, रैशनलाइजिंग से सॉल्व करते हैं। वन माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन वन का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, आप ऊपर इसको होल स्क्वायर खोलेंगे तो वन प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस के टू आयोटा अपॉन वन की वैल्यू वन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो इसलिए आपका प्लस वन माइनस टू आयोटा अपॉन टू, ये आपका कैंसिल हो गया माइनस प्लस माइनस के टू आयोटा अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस आयोटा। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जीरो माइनस आयोटा, यह आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब आपको कंजुगेट फाइंड करना है, जेड बार इज इक्वल टू जीरो माइनस आयोटा, क्या आ गया जीरो प्लस आयोटा, क्या हो जाएगा जीरो प्लस आयोटा, दैट्स ऑल। यहां पर आपको क्वेश्चन सेकंड में इफ एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन टू एक्स माइनस आयोटा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन आपको प्रूव करना है। हियर गिवन ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन टू एक्स माइनस के आयोटा, ये आपको गिवन है। टेक इन कंजुगेट बोथ साइड्स ए प्लस आयोटा बी एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी, यहां पे आपकी प्रॉपर्टी है जेड वन अपॉन जेड टू, जेड वन अपॉन जेड टू, तो ये आपका ए प्लस आयोटा ए माइनस आयोटा भी हो गया एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और ये आपका इस पे भी आप कर दें यहाँ पे, तो टू एक्स माइनस वन ये आपका है टू एक्स माइनस आयोटा, यहाँ पर अगले में कर देना ए प्लस आयोटा भी, ये आप इस प्रकार से लिखेंगे। अब आप इसको कंजुगेट को हटाएं, क्या होगा ए माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर टू एक्स प्लस आयोटा, इसको आप इक्वेशन सेकंड डाल दें, जो आपको गिवन है उसको आप इक्वेशन फर्स्ट डाल दें। क्या करें मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकंड. सो ए प्लस आरटा बी, ए माइनस आरटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, एक्स प्लस आयोटा का होल स्क्वायर टू एक्स माइनस के वन इंटू एक्स माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन टू एक्स प्लस आयोटा. तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू आप यहाँ पे इसका एक्स का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपका टू एक्स का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर यहाँ पे लिखें. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यूज हुई माइनस वन तो प्लस हो गया एक्स की पावर फोर, ये आपका आयोटा स्क्वायर वैल्यू यूज होगी वन और एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी आयोटा का स्क्वायर वैल्यू वन, ये आपका होल स्क्वायर चलेगा. तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे प्रूव करने वाला सवाल करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पर आपका फर्स्ट थ्री आयोटा माइनस वन का होल स्क्वायर, सेकंड थ्री प्लस फोर आयोटा फोर प्लस आयोटा, थर्ड वन अपॉन टू माइनस थ्री आयोटा. यहाँ पे आपको मॉडुलस फाइंड करना है. लेट फर्स्ट पार्ट जेड इज इक्वल टू थ्री आयोटा माइनस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी वही रूल आपको अपनाना है. आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दे रखा है तो उसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लाना है पहले. तो थ्री आयोटा का होल स्क्वायर आपका हो गया प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू नाइन आयोटा स्क्वायर प्लस वन माइनस सिक्स आयोटा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यूज होगी माइनस के नाइन प्लस वन माइनस सिक्स आयोटा, तो माइनस के एट माइनस सिक्स आयोटा. अब आपको मॉडुलस फाइंड करना है तो मॉडुलस माइनस के एट का स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो एट का सिक्सटी फोर प्लस थर्टी सिक्स हंड्रेड इज इक्वल टू टेन. यहाँ इस प्रकार से आपको मॉडुलस फाइंड करना है. सेकंड वाला पार्ट यहाँ पे लेते हैं थ्री प्लस जेड इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर आयोटा, थ्री फोर प्लस आयोटा का पहले मल्टीप्लाई कीजिए तो थ्री फोर ट्वेल्व प्लस थ्री आयोटा प्लस सिक्सटीन आयोटा प्लस फोर आयोटा स्क्वायर, ट्वेल्व प्लस थ्री आयोटा सिक्सटीन आयोटा नाइनटीन आयोटा प्लस आपका फोर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यूज कर लो यहाँ पे तो माइनस के फोर, यह आपका हो गया एट प्लस नाइनटीन आयोटा. अब आपको मॉडुलस फाइंड करना है तो जेड बार जेड का मॉडुलस कॉम्प्लेक्स का इज इक्वल टू एट का स्क्वायर प्लस नाइनटीन का स्क्वायर, एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर नाइनटीन का थ्री हंड्रेड सिक्सटी वन. तो ये हो गया आपका फाइव सिक्स सिक्स ट्वेल्व फोर हंड्रेड ट्वेंटी वन. इस प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड जेड इज इक्वल टू वन माइनस टू थ्री आयोटा आपको गिवन है वन अपॉन टू माइनस, तो इसको आपको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लाना है तो वन अपॉन टू माइनस थ्री आयोटा. तो आपको क्या है किस प्रकार से करना है रेशनलाइजिंग क्या होगा टू प्लस थ्री आयोटा टू प्लस थ्री आयोटा, तो टू प्लस थ्री आयोटा टू का स्क्वायर माइनस थ्री आयोटा का स्क्वायर टू प्लस थ्री आयोटा फोर और ये हो जाएगा आपका नाइन. तो ये हो गया आपको टू अपॉन थर्टीन प्लस थ्री अपॉन थर्टीन आयोटा. तो आपको मॉडुलस फाइंड करना है क्या हो जाएगा अंडर रूट टू अपॉन थर्टीन का स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन थर्टीन का स्क्वायर, दैट्स ऑल. इसको आगे कर लेंगे.